हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो ये हमारी यूट्यूब पे पहली वीडियो है। तो हम पहली ट्रिप अपनी जो करने जा रहे हैं वो हमारी शिमला की, और उसमें मैं और मेरे भैया हैं जिनका नाम है सैम और मेरा नाम है राहुल। तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कराएंगे और जितना हो सकेगा उतना दिखाएंगे। वीडियो के थ्रू आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करेंगे और आपको हंसी मजाक भी दिखाएंगे, आपको सारी चीज़ों का ज्ञान देंगे। अभी के लिए हम निकलते हैं, जो कि अभी टाइम हो रहा है 3:30, 3:40 हो रहे हैं और हमें 4 बजे तक रेडी होकर निकलना है। तो जितना जल्दी होगा हम उतना जल्दी निकलेंगे। और बताना आपको वीडियो कैसी लगी, एंड में कमेंट करना क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ पे हमें वर्क करना चाहिए, आपको कैसी लोकेशंस देखना पसंद है, कैसी नहीं पसंद है, आप हमें सब बताइए। और जो आप लोकेशन बोलेंगे हम उन पर भी जाने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। जो आप बताएंगे हम वहाँ पर जाएंगे। बाकी जैसा आपको पसंद आए आप वैसा बताना। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमेशा बने रहें। हिमाचल प्रदेश की एंट्री हो रही है हमारी, आगे टोल। गाड़ी में दो दो फास्ट टैग है, एक भी काम नहीं आया, पैसा दे के कटवाना पड़ रहा है। बताओ देख लो क्या ही करे, 2 बार कट गए, 70 कट जाते अच्छे खासे फास्ट टैग से, 140 कटवा दिया इन्होंने। क्यों नहीं था भैया रिचार्ज? 150 रुपये था, फिर भी नहीं हुआ। अब कह रहे हैं पैसे 70 रुपये का ही है, कह रहे हैं 200 रुपये होने चाहिए मिनिमम सिक्योरिटी बैलेंस। अरे भाई अगर किसी के पास पैसा ना हो और इतनी दूर घूमने जाना हो फिर क्या करे वो। ये देखो कटवाए फिर रहे हैं, पर्ची संभाल के रखूंगा, इसे याद रखूंगा ना। 2 फास्टैग होने के बाद भी पैसा दे के कटवाना पड़ा था। This is the view जिसके लिए हम इतना रिस्क ढो के आए हैं। देखो कहीं पे कोई भी कुछ भी कर रहा है, कैसे भी घुस रहा है। और ये रहे अपने ड्राइवर साहब, अपने बड़े भैया, ये देख सकते हो 2 घंटे का इसमें दिखा रहा है। So guys, we have reached Solan. थोड़ी बहुत जाम है तो अब हमारे ड्राइवर साहब बदल चुके हैं। और अगर तुम पहाड़ों में आ रहे हो तो भाई सजेशन यही रहेगा कि ड्राइवर कम से कम 2 हो, क्योंकि एक ड्राइवर तो मर जाएगा भाई, नहीं चल नहीं कर सकता वो। और ऐसी जगह तो बिल्कुल नहीं, कितना ही चला लोगे, कितना। अभी जाम क्रॉस करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको। हो सकता है अगर बीच में कुछ मिला तो जरूर दिखाएंगे, वरना सीधा शिमला दिखाएंगे। तो गाइज हम शिमला तो पहुंच गए थे, ये आए इस टाइम माल रोड। उस टाइम बहुत ड्राइव करके हम थक गए थे,
तो थोड़ी देर रूम पे रेस्ट करा, अब घूमने आए हैं माल रोड पे। और सांसें फूल गई, अब याद आ रहा हमारे पास गाड़ी भी थी, हम गाड़ी ले आते। देखते हैं अब माल रोड पे गाड़ी अलाउड नहीं है, माल रोड पे गाड़ी अलाउड नहीं है। कहीं तक तो लाते हम, नीचे छोड़नी पड़ती आधे रास्ते, पर वहाँ पार्किंग नहीं है। आधे रास्ते भी नहीं छोड़ देना पड़ता, आधे रास्ते भी नहीं छोड़नी थी, कहते नहीं पैदल चलेंगे 4 किलोमीटर, बोल के पता नहीं कितना चला लाए ये इंसान, इतना चला के लाया मुझे। हालत ख़राब हो गई, बहुत पैदल जाना पड़ा। तो गाइस यही है मॉल रोड, देख लो तिरंगा पूछा रहा है हमारा। और ये चर्च है, क्राइस्ट चर्च है। एंड और इधर ये वाला हिस्सा रिच पार्क। अभी हम रिच पार्क की तरफ जा रहे हैं। चलो शिमला ड्रामेटिक्स क्लब जो 1837 में शुरू हुआ था पर आज भी हेरिटेज मेंटेन है, ब्रिटिश आर्मी ने इसको। दिस इज एक्चुअल मॉल रोड, ये ब्रिटिश टाइम की आर्किटेक्चर है। पूरी रात वॉक कर सकते हैं हम यहाँ पे, बट चीज़ें खुली नहीं मिलती है इस टाइम पर, तो बेटर आप शाम को आएँ, मज़ा लें, घूमें। बहुत सारी चीज़ें हैं खाने पीने के लिए भी, तो एंजॉय के लिए बहुत चीज़ें हैं। पहले मेयर यहाँ बैठते थे, आज भी वो धरोहर मेंटेन्ड है, आज भी यहीं बैठते हैं शिमला के मेयर। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट बार्स सब कुछ ही है, तो अगर आप मोर इनटू क्लब्स हैं तो आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। सामने पोस्ट ऑफिस है जो बहुत पुराना है, सबसे पहला शिमला का पोस्ट ऑफिस यहाँ बना था। तो गाइस सबसे पहले जब अंग्रेज़ आए थे सबसे पहले शिमला ही दिखा था, क्योंकि इससे आगे कनेक्टिविटी थी नहीं उस टाइम पे। शिमला में बहुत बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण मनाली और उससे आगे कसौल वो सब डिस्कवर नहीं हुए थे इतनी आसानी से। तो उनके हिसाब से हिमाचल में कोई फेमस साइट हो सकती थी तो वो यही हो सकती थी। तो पूरा झोंका था अपना, फाइनेंस हर चीज़ लगा था इसको बेहतर करने में। तो उसके बाद चेंजेस होते रहे हालात, नए रोड डिस्कवर हुए, फिर नए रोड की खुदाई शुरू हुई, फिर उसके बाद बर्फ़बारी यहाँ कम हुई, देन मनाली की तरफ रुख करा, तो एक नया मॉल रोड बना मनाली की तरफ। इससे आगे चलते चलते फिर डिस्कस करते हैं आगे के जानकारी के साथ। तो गाइस यह है हिमाचल की फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो बनाई गई है, देख सकते हैं आप, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, तो आप देख सकते हैं। आओ तो कभी माल रोड आओ तो ये ज़रूर देख के जाना, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये पूरा रास्ता है, सीढ़ियों के थ्रू लोग ऊपर जाते हैं यहाँ से स्टूडेंट्स, और मज़े करते हैं। पढ़ाई तो खैर आजकल बची ही नहीं है। सही बात है, अप्रिशिएट, बट उसके साथ हम अपने कल्चर को ही बचा नहीं पा रहे हैं, जो बहुत दुखद है, क्योंकि रोडों पे ऐसे कागज़ वगैरह पड़े हुए हैं जो कि ये सब नहीं होने चाहिए। लोगों को अपने कल्चर के बारे में थोड़ा प्रोटेक्टिव होना चाहिए, जो कि आजकल कोई भी नहीं है। और सिर्फ लोगों को दोष नहीं दिया जाता है, मैं बोलूँगा आई अपील टू गवर्नमेंट कि जगह जगह पे डस्टबिन प्रोवाइड करें, ताकि जो भी गार्बेजेस हो, जो भी हो, उसको प्रॉपर वे में पुट करें, उसको डालें, जिससे हमारे एनवायरनमेंट साफ़ रहे। अब पहले बर्फ़ पड़ती थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अब कम हो गई है, इसके ज़िम्मेदार भी हम ही हैं और कोई भी नहीं है, तो हमें उसको ही बचाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के सामने का रास्ता है सीढ़ियाँ, जहाँ से आप लोग नीचे उतर सकते हैं।
मेरा पूरा इस पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। ये अंग्रेज़ों के बनाया हुआ टाइम का ऑफिस है, जो कि अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट शिमला। और ये यहाँ पे पूरे इसमें ब्लॉक से रखे हैं कि कहाँ पे कौन सा क्या ऑफिस है। एंड ये पूरा इलाका है और ये पूरा एरिया है। इसमें यहाँ पे मैप्स में बताया गया, मतलब डायरेक्शंस में बताया गया कि कहाँ पे क्या है। लाइक जहाँ से हम अभी आए हैं, ये पूरा ऊपर से ये पूरा इलाका जो था, ये पूरा माल रोड का इलाका है। एंड ये एक वॉच लगी हुई है। तो गाइस, ये एक टाइम का बहुत पुराना टेलीफोन एक्सचेंज था, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन शिमला। इसको डिज़ाइन किया गया था 1922 में, लेटर ऑन ये बन गया था। एक स्कॉटिश डिज़ाइनर ने इसको बनाया था, पूरा आर्किटेक्ट इसका था स्कॉटिश डिज़ाइनर का। उससे पहले ये आर्किटेक्चरी एक रूप बताया जाता है, बट मोर ओवर एक एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज उस टाइम का 1922 का, जो कि आज से लगभग 101 साल पुराना है। तो उससे पहले गाइस, टेलीफोन एक्सचेंज से पहले ये इंग्लैंड की, उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्निंग इंडिया की, एक बहुत पुरानी न्यूज़पेपर है टेलीग्राफ, उसका हेड ऑफिस था हिमाचल प्रदेश शिमला में। तो उसके बाद ये टेलीफोन एक्सचेंज बना जब टेलीफोन इन्वेंट हुआ। फिर लेटर ऑन अभी ये BSNL ने करेंटली ऑक्यूपाई किया, तो अभी ये फ़िलहाल ऑटोनोमस गवर्निंग बॉडी है BSNL की, जो अभी यहीं पे है फिलहाल। ये वो पूरा ऑफिस आप देख सकते हैं, माल रोड के बिल्कुल एंड में पड़ता है। आप आ सकते हैं कभी भी, आओ तो इसे ज़रूर देख के जाना, बहुत ही प्यारा व्यू है। हम तो खैर रात में घूम रहे हैं, अगर आप लोग आओ तो दिन में आना, बहुत प्यारा व्यू आएगा यहाँ का। रात में तो ऑलमोस्ट चीज़ें बंद हो जाती हैं, बट शाम तक ऑलमोस्ट खुली रहती है सारी चीज़ें। अभी रात को ये ऐसा व्यू आ रहा है, तो दिन में आओ तो ज़रूर देखना। और ये हमारे बजरंग बली बैठे हैं, खुजली हो रही है ना, नीचे निकल गए ना। ये पूरा शिमला का व्यू रात में। हेलो गाइस, वंस अगेन, सो दिस इज़ सैम। एंड आज के वीडियो हम इतना ही शूट कर पाए थे, उसके बाद हमारे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। तो फिर हम उसके बाद सीधा होटल आए और सबसे पहले हमने अपना फ़ोन चार्ज करा। चार्ज होते ही, थोड़ा सा चार्ज होते ही, तो हमने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दें कि हमारे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और डे टू की वीडियो आपको जल्द ही कल सुबह तक 9 या 10 बजे के बीच में ही मिल जाएगी, पार्ट टू की। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं डे टू के वीडियो के साथ।